बुलंदशहर में झगड़े की सूचना पर गए सिपाही और होमगार्ड पर रेप का आरोप। पीड़िता के माई के पक्ष ने ककोड़ थाने पहुंचकर किया हंगामा। पीड़िता की मां ने ककोड़ कोतवाली में तैनात सिपाही और एक होमगार्ड पर बेटी से रेप करने का लगाया आरोप। एक आरोपी सिपाही को पीड़ित के परिवार ने कोतवाली के भीतर शिनाख्त परेड के दौरान पहचाना। कल रात 11 बजे किसी घटना की जांच करने पीड़िता के घर में घुसे थे सिपाही और होमगार्ड। पीड़िता ने पति और सौतन पर घटना में शामिल होने के लगाए आरोप। एसपी सिटी समेत तमाम पुलिस अधिकारी ककोड़ कोतवाली पहुंचे। कल रात को 11 बजे ये जो पुलिस वाले घर में आए, मेरी सास ने गेट खोला तो एकदम मुझे ऊपर से उठाया, मुझे मारा भी है दोनों पुलिस वालों ने और मुझे अंदर ले गए। इसी थाने के पुलिस वाले? हाँ, इसी थाने के पुलिस वाले, ककोड़ थाना। क्या नाम है? नाम पूछ सकता है? राठौर तबारी है। राठौर तबारी, हाँ। मेरे साथ रेप करा है इन लोगों ने। मैं निकलने की कोशिश कर रही थी, बचने की बहुत कोशिश करी मैंने, तो मेरी सौतन ने और मेरे आदमी ने मेरे हाथ पैर पकड़ रखे थे और ये राठौर तराबी ने इसमें खूब मारा पीटा, खूब मेरा रेप करा। खाकी पर लगे बदनुमा दाग की बारीकी से जांच कर रहे पुलिस के आला अधिकारी। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से आरोपी पुलिसकर्मी और होमगार्ड के खिलाफ ली तहरीर। ककोड़ कोतवाली क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। और उसने दो पुलिस वाले रात 11 बजे आए, मेरी लड़की के साथ बदतमीजी करी, लड़की ने अपनी जान बचाना चाहिए, कपड़े वपड़े फट गए उसके और मेरी लड़की के साथ उन्होंने रेप करा है दो पुलिस वालों ने। एक तो उसका नाम भी पता नहीं है, राठौर तिवारी ऐसी कुछ बोलते हैं उसे। पहचान लिया आप थाने? लड़की ने पहचान लिया। लड़की ने पहचान लिया, हाँ। कब की बात है ये? रात 11 बजे की बात है। दो ककोड़ थाने पुलिस वाले? हाँ, दो पुलिस वाले थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।